अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर बायोलॉजी के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, एक और इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, जिसमें टिश्यू से होल ऑर्गेनिज़म्स, मैनी ऑर्गेनिज़म्स की प्रोडक्शन की जाती है। तो आइए सीखते हैं कि टिश्यू कल्चर क्या है, इसका मैकेनिज़्म क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टिश्यू कल्चर क्या है। एक इनविट्रो ग्रोथ है। इनविट्रो का मतलब क्या है? आउटसाइड द लिविंग सिस्टम। आउटसाइड द लिविंग सिस्टम का मतलब क्या है? इनसाइड द लेबॉरेटरी आप कोई काम कर रहे हैं तो आउटसाइड द लिविंग सिस्टम से मुराद ये है कि आप किसी ऑर्गेनिज्म का टिश्यू उस ऑर्गेनिज्म से निकाल लेंगे, अब वो टिश्यू उस ऑर्गेनिज्म का हिस्सा नहीं है, तो अब वो आउटसाइड द लिविंग सिस्टम का हिस्सा रहा। तो अब आप जब उसकी स्टडी करेंगे तो उसकी स्टडी को इनविट्रो स्टडी कहा जाएगा। तो टिश्यू कल्चर में भी टिश्यू निकाला जाता है ऑर्गेनिज्म से और उसे लेबॉरेटरी के अंदर मीडियम प्रोवाइड करके उसकी ग्रोथ करवाई जाती है। तो ये एक इनविट्रो ग्रोथ है, ये आपको समझ लेना चाहिए। टिश्यू कल्चर का मतलब क्या है? टिश्यू क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको पता है। कल्चर क्या है? यानी उनकी ग्रोथ करवाना, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल्स की ग्रोथ करवाने को टिश्यू कल्चर कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। टिश्यू कल्चर इज़ अ मेथड इन विच टिश्यू फ्रैगमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज ट्रीटेड इन अ मीडियम टू प्रोड्यूस अ होल ऑर्गेनिज्म। टिश्यू कल्चर एक मेथड है जिसमें टिश्यू निकाला जाता है किसी ऑर्गेनिज्म से और उसे मीडियम प्रोवाइड किया जाता है। अभी हम देखते हैं मीडियम क्या होता है। और मीडियम प्रोवाइड करने के बाद क्या होता है, वो जो टिश्यूज़ होते हैं वो होल ऑर्गेनिज़म्स की प्रोडक्शन करते हैं। यानी जिस ऑर्गेनिज़म से वो टिश्यू निकाला है, सेम कॉपीज़ उस ऑर्गेनिज़म्स की बनती जाती हैं, ठीक है। कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो टिश्यू कल्चर को समझने से पहले आपको ज़रूरी आनी चाहिए। ये टर्मिनोलॉजी अगर आप सीख जाते हैं तो टिश्यू कल्चर बड़ा ईजी कॉन्सेप्ट है। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी क्या होती है? एबिलिटी, पोटेंशियल ऑफ सेल टू ग्रो इनटू होल ऑर्गेनिज्म। टोटिपोटेंसी एक पोटेंशियल है, एक एबिलिटी है जिसके ज़रिए सेल होल ऑर्गेनिज़म्स में कन्वर्ट हो जाता है। यानी सेल से ग्रोथ होते होते होल ऑर्गेनिज़म बन जाता है। और ये एबिलिटी आप जानते भी होंगे, मोस्टली प्लांट्स के अंदर आपको नज़र आएगी। यानी प्लांट का एक सेल जो है उसके अंदर भी ये एबिलिटी है कि उससे पूरा ऑर्गेनिज़म बन जाए। तो उसे कुछ मीडियम प्रोवाइड किया जाता है, उसकी न्यूट्रिशन उसे प्रोवाइड की जाती है जैसी उसको ज़रूरत होती है, तो उससे होल ऑर्गेनिज़म बन जाता है। कुछ एनिमल्स भी हैं जैसे प्लैनेरिया जिनकी टोटिपोटेंसी भी होती है, बाकी आपको एनिमल्स के अंदर टोटिपोटेंसी नज़र नहीं आएगी। सेकंड आपको जो टर्मिनोलॉजी है वो याद कर लेनी है, कैलस। कैलस क्या है जी? कैलस इज़ अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल। अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, मास यानी जमकटा है सेल्स का जहाँ पर आप देख रहे हैं, और ये अनडिफरेंशिएटेड हैं यानी इनका कोई फंक्शन अभी तक डिफरेंशिएट नहीं हुआ कि इन सेल्स को रूट की प्रोडक्शन करनी है, शूट की प्रोडक्शन करनी है, यानी इनका फंक्शन क्या है। तो इनका जब तक कैलस ये रहेंगे तो इनका एक ही फंक्शन होगा, इज़ ग्रोथ। ओनली फंक्शन इज़ ग्रोथ। कैलस का फंक्शन क्या है? सिर्फ ग्रोथ करना, यानी सेल डिवाइड आफ्टर डिवाइड हो रहे हैं, इसके अलावा वो सेल्स यानी डिफरेंशिएट नहीं हो रहे, उनका फंक्शन जो है डिफरेंशिएट नहीं हो रहा कि उन्होंने क्या करना है, उन्होंने रूट्स की डेवलपमेंट करनी है, शूट की करनी है, लीफ की करनी है। तो ये जो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल होता है इसको कैलस कहा जाता है। ये काफ़ी यूज़ होता है टिश्यू कल्चर के अंदर, ये वर्ड आपने याद कर लेना। थर्ड आपने टर्मिनोलॉजी याद रखनी है मीडियम। यहाँ पर हमने बात की कि टिश्यू कल्चर को टिश्यू निकाल कर उसको मीडियम में ग्रोथ करवाया जाता है। तो मीडियम क्या है? इंजाइम एंड हार्मोन कंट्रोल एनवायरनमेंट। मीडियम एक ऐसी कंट्रोल एनवायरनमेंट है जिसके अंदर इंजाइम्स भी होते हैं, हार्मोन्स भी होते हैं और दीगर कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। यानी एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होती है जो टिश्यू को ग्रो करवाने में बहुत हेल्पफुल होती है। ये एक सॉल्यूशंस होता है जेली टाइप जिसके अंदर सेल्स को डाला जाता है और वो न्यूट्रिशन लेकर ग्रोथ करते रहते हैं। तो ये मीडियम का कॉन्सेप्ट होपफुली क्लियर हो चुका होगा। फोर कॉन्सेप्ट इज टर्मिनोलॉजी इज डिफ्रेंशिएशन। यहाँ पर हमने अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल को कैलस कहा था। तो जब कैलस जो है वो अपना फंक्शन रिकॉग्नाइज कर दे, कैलस के जो सेल्स हैं, तो उस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन बोलेंगे। व्हेन कैलस रिकॉग्नाइज इट्स फंक्शन, यानी जो कैलस के सेल्स हैं उनको पता चल जाए कि कौन से सेल्स ने रूट्स बनानी है, कौन से सेल्स ने शूट्स बनानी है, तो इस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन बोलेंगे हम। यानी अब सेल्स को पता चल चुका है, डिफरेंशिएट हो चुके हैं, उनका फंक्शन उन्हें पता चल चुका है कि उन्होंने अब क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, टर्मिनोलॉजी है, उसे एपिकल बर्ड आपने याद करना है। ये काफ़ी यूज़ होता है।
एपिकल बड, मेरिस्टमेटिक टिश्यू, एक्जियल पार्ट, ये टिश्यू कल्चर के अंदर आप इन चीज़ों को एक ही कंसिडर करेंगे। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, मेरिस्टमेटिक टिश्यू न्यूली ग्रोइंग टिश्यूज़ होते हैं, एपिकल बड टिप होती है, ठीक है, शूट की, फिर कुछ टर्मिनल बड्स होते हैं जो रूट की टिप होती है, एक्जियल पार्ट जो होता है ये लीव्स के दरमियान जो न्यूली ग्रोइंग एरिया होता है इसे एक्जियल पार्ट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये सीखना है कि एपिकल बड क्या है, न्यूली ग्रोइंग पार्ट ऑफ प्लांट, यानी प्लांट के जो न्यूली ग्रोइंग पार्ट्स होते हैं उनको एपिकल बड कहते हैं। मोस्टली यही एरिया कट किए जाते हैं टिश्यू कल्चर के अंदर, क्यों किए जाते हैं ये भी अभी हम देखते हैं। मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, कैसे की जाती है टिश्यू कल्चर। सबसे पहला स्टेप क्या है, टेक अ स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू दैट इज़ एपिकल बड रूट और स्टेम। सबसे पहले आपको टिश्यू चाहिए जिस ऑर्गेनिज्म को आपने टिश्यू कल्चर करना है, ठीक है। तो उसका आप टिश्यू मोस्टली कहाँ से निकालेंगे, एपिकल बड से निकालेंगे। और एपिकल बड हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया कि शूट की टिप को एपिकल बड बोलते हैं, यानी न्यूली ग्रोइंग एरिया एपिकल बड होते हैं। आप रूट की टिप भी निकाल सकते हैं जिसको टर्मिनल बड कहा जाता है। तो आपके पास टिश्यू आ चुका, सेकंड स्टेप क्या होगा, ट्रांसफ़र टिश्यू इनटू मीडियम। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि उस टिश्यू को जो आपने सेल्स निकाल लिए उसको मीडियम प्रोवाइड करेंगे जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होंगे या कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होगी जहाँ पर वो ग्रो करेंगे टिश्यू। थर्ड स्टेप क्या होगा, द सेल स्टार्ट डिवीजन एंड कैलस विल बी फॉर्म। सेल्स क्या करेंगे, डिवाइड होना स्टार्ट करेंगे और डिवाइड होते होते कैलस बन जाएगा, जो हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीखा। यानी वो उनका काम क्या है, सिर्फ डिवाइड होना, ग्रो करना, ठीक है। सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड आफ्टर डिवाइड, तो छोटा सा टिश्यू जो है बहुत सारे सेल्स बना देता है। फिर क्या होता है जी, द कैलस इज ट्रीटेड विद पार्टिकुलर हारमोन्स फॉर डिफ्रेंसीशन। कैलस को कुछ हार्मोन्स के ज़रिए डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कैलस के सेल जब तक आप वही मीडियम प्रोवाइड करेंगे डिवाइड होते रहेंगे, सेल्स डिवाइड आफ्टर डिवाइड होंगे तो कैलस बड़ा होता जाएगा। अब कैलस को डिफरेंशिएट भी तो करना है आपने, उससे प्लांट्स भी तो ग्रो करवाने हैं न्यूली, ठीक है। उसके लिए क्या है, कुछ हार्मोन्स हैं, दो हार्मोन मोस्टली यूज़ होते हैं, ये आपने याद कर लेने हैं। इन हार्मोन्स के और भी फंक्शंस हैं लेकिन टिश्यू कल्चर के अंदर जो फंक्शन है वो आपने याद करने हैं। फर्स्ट हार्मोन इज़ ऑक्सिन, ठीक है, ऑक्सिन आपने याद कर लेना है। ऑक्सिन कंटेनिंग मीडियम विच हेल्प इन द शूट, यानी जो टिश्यू हैं, जो कैलस है उसको न्यू मीडियम में ट्रांसफ़र किया जाएगा जिसमें ऑक्सिन हार्मोन डाला गया होगा। मीडियम के अंदर ऑक्सिन हार्मोन होगा, ऑक्सिन हार्मोन क्या करेगा, शूट की डिवेलपमेंट करवाएगा, यानी जो सेल्स हैं उनको डिफरेंशिएट करवाएगा, उसमें से कुछ सेल्स शूट डेवलप करवाएंगे, यानी स्टेम की डेवलप होगी, तने बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। फिर अब शूट की डेवलपमेंट होगी तो अब उन जो शूट वाले जो सेल्स हैं उनको निकाल कर एक और मीडियम में डाला जाएगा जहाँ पर साइटोकाइनिन मीडियम होगा विच हेल्प इन रूट डिवेलपमेंट। अब उनकी रूट्स की डिवेलपमेंट भी शुरू हो जाएगी। तो ये दो हार्मोन्स हैं आपने याद रखने हैं, ऑक्सिन क्या करता है, शूट की डिवेलपमेंट करता है, साइटोकाइनिन रूट की डिवेलपमेंट में हेल्पफुल होता है। अब रूट और शूट डिवेलप हो चुकी हैं, यानी डिफरेंशिएटेड प्लांट्स अब रेडी हो चुके हैं। अब क्या करते हैं, उन प्लांट्स को निकाल कर न्यू मीडियम में ग्रो करवाया जाता है और फिर उसे फील्ड के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है जहाँ पर वो फुली ग्रो हो के जो भी प्लांट था जो भी ऑर्गेनिज्म था जिससे हमने टिश्यू निकाला था उस ऑर्गेनिज्म की कॉपीज़ बनती जाती हैं, होल ऑर्गेनिज्म तैयार होते जाते हैं। अब यहाँ पर हम सीखते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, टिश्यू कल्चर क्यों किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंस है वो है यूज़फुल मेथड टू इंक्रीज नंबर ऑफ डिज़ायर्ड प्लांट। यह एक यूज़फुल मेथड है जिसमें हम एक डिज़ायर्ड प्लांट की नंबरिंग को इंक्रीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने किसी प्लांट के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग की है, ठीक है, जो एक बहुत डिफ़िकल्ट और महंगा प्रोसेस है, तो आपने उसके कुछ करेक्टर्स चेंज कर दिए हैं, अब वो बहुत अच्छा फ्रूट दे रहा है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो चुकी है। अब ऐसा नहीं है कि आप जेनेटिक इंजीनियरिंग बार बार करते जाएंगे, तो यह एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। तो उसके लिए क्या है, आप क्या करेंगे, उस ऑर्गेनिज्म का टिश्यू निकालेंगे और उसको बहुत सारी ग्रो करवा के उससे बहुत सारे नए प्लांट्स तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो यह एक कॉन्सेप्ट है जिसमें टिश्यू कल्चर यूज़ होता है, यानी एक डिज़ायर्ड प्लांट है उसकी आप नंबर ऑफ़ कापीज़ उसको बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में उसको ग्रो करवा सकते हैं और फिर उसे फील्ड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, टू ऑब्टेन डिजीज़ फ्री प्लांट इवन फ्राम डिजीज़ प्लांट। सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है कि आप डिजीज़ फ्री प्लांट हासिल कर सकते हैं इवन के डिजीज़ प्लांट से भी। कैसे, आइए देखते हैं।
सपोज दिस इज़ अ डिजीज़ प्लांट, ये एक डिजीज़ प्लांट है, इसके अंदर कोई डिजीज़ लग चुकी है, फंगल डिजीज़ हो सकती है, बैक्टीरियल हो सकती है, वायरल डिजीज़ हो सकती है। तो अब जब आप इसके न्यू प्लांटेशन करेंगे तो इसकी डिजीज़ जो है नए प्लांट्स में भी ट्रांसफ़र होगी, जाहिर बात है। लेकिन क्या है कि ये प्लांट क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा था, तो आपको इसकी जो है इसके सीडलिंग्स ज़रूरी चाहिए, इसके नई नस्ल आपको ज़रूरी चाहिए, तो उसके लिए आप टिशू कल्चर इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा होता है कि जो प्लांट के जो न्यूली ग्रोइंग एरिया होता है, जिसको एपिकल बड हमने कहा था, सपोज दिस इज़ एपिकल बड, ठीक है, इसमें डिजीज़ के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये न्यूली ग्रोइंग एरिया होता है, तो इसके अंदर जो है वायरस इतनी जल्दी ट्रांसफ़र नहीं होता, इतनी जल्दी बैक्टीरिया ट्रांसफ़र नहीं होता। मोस्ट केसेस में ये डिजीज़ फ्री एरिया होता है, तो जब आप इसको कट करेंगे और टिश्यू कल्चर करेंगे, जाहिर बात है, तो उसके अंदर डिजीज़ नहीं होगी। अब आप उसे फील्ड में लगा सकते हैं, तो आप उसके अंदर डिजीज़ नहीं होगी। तो ये दो बेसिक इंपॉर्टेंस हैं जिसके ज़रिए आप टिश्यू कल्चर से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। होपफुली आपको ये लेक्चर क्लियरली समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रोमेटोग्राफी की स्टडी करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।